गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे, ऐसी ईश्वर से कामना है। बस सुबह सुबह का मौसम अच्छा हो रहा है, धूप भी आ गई है लेकिन हवा खूब अच्छी चल रही है। और बस फीडो जी और मैं बाहर हैं अपने रोज के रूटीन में कि कुछ नहीं है तो अपना बाहर बैठो, आराम से हवा खाओ, तो वही चल रहा है हमारा, टीटो जी का और हमारा। और कुछ नया तो वो नहीं, नया तो कुछ नहीं, हाँ बस ये है कि तबीयत अब बिल्कुल फिट लग रही है तो इसलिए, और पानी पी चुके हैं, चाय पीने का मन नहीं है क्योंकि अगर मौसम थोड़ा सा बारिश का हो वो तब तो लगता है, लेकिन चाय पीने का मन नहीं है। हाँ पानी पी चुकी हूँ और बच्चे अभी उठे नहीं हैं, मैं उठ गई हूँ, फीडो उठ गया है, उनके पापा उठ गए हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। और आपको मैं बाहर का वेदर दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, ये देखिए सुबह से ही खूब अच्छी हवा चल रही है। ये बैठे हैं फीडो जी। फीडो जी आप कहीं चलेंगे, घूमने जाएंगे, चलें घूमी चलें, आप चल रहे हो फिडू? नहीं नहीं चलना, नहीं चलना। फिडू जी नाराज, बस मौसम का आनंद लिया जा रहा है हवा का। आइए दोस्तों नाश्ता तैयार है, आप भी खाइए, हम भी खाएंगे। दोस्तों लंच तैयार है, आप भी खाइए, मैं भी खाती हूँ। राजमा चावल, रायता, भरमा भिंडी, रोटी और चावल बनाए आज मैंने। ये शाम का समय है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सूरज ढल चुका है और जो उसके बाद बादलों के पीछे से जो हल्की रोशनी आती है, देखिए खूब हवा चल रही है तेज। और इसीलिए मैं बाहर आके बैठती हूँ क्योंकि आज सुबह से मेरा दिमाग सही नहीं है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं शायद शेयर भी नहीं करना चाहती बस, लेकिन हाँ मेंटल पीस नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे वीडियो लेकिन नहीं कर पाती, मैं दो मुआ नहीं बन पाती, जैसी हूँ सामने रोना आ रहा होगा रोऊंगी और हंसना आ रहा होगा हंसूंगी, दिखावा करना नहीं सीखा। कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जिसे मैं शेयर भी नहीं कर सकती, इसमें परेशानियाँ ये बहुत पुरानी हैं, ऐसा नहीं है वो बहुत पुरानी है, लेकिन वो होता ना कभी कभी हद हो जाती है, बस वही हद हो गई है। या आप ये केस कह सकते हैं कि मेरी सहन करने की शक्ति ख़त्म। ये देखिए दोस्तों
ये मम्मा का बेटू है, मम्मा बाहर आई, बेटू बाहर आया। पीडी पीडी मम्मा जाएगी? जाऊं? अच्छा नहीं जा रही। आप देखो देखो, देखा आपने, बहुत प्यार करता है मुझे और मैं भी इसे बहुत प्यार करती हूँ। बस इसने मेरे दिमाग को थोड़ा पीस दे रखा, वरना लाइफ में अब तो ये लगने लगा है कि हो सकता है मैंने कुछ बहुत बुरे कर्म किए पिछले जन्म में, जिसका नतीजा मुझे इस जन्म में मिल रहा है। और दीदी आजा बेटा, आजा, आओ आओ मम्मा के पास आओ। क्या हो गया मेरी दीदी को, मम्मा की दीदी को क्या हो गया? आज आज दीदी को आज आज मम्मा के पास आओ। क्या हो गया बच्चा? ये मम्मा का बच्चा, ये मम्मा का प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा है। आ जाओ दीदी मम्मा के पास, आ जाओ, आओ आज 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 मम्मा प्यार करेगी पीढ़ी को, मम्मा प्यार करेगी। नहीं नहीं बड़ी अच्छी है। क्या कर रहा फीडी, फीडी क्या कर रहा है? नो नो नो, मैं इसे मसाला डाल रही हूँ, नमक मिर्च हल्दी धनिया। देखिए दोस्तों मसाला भी मिल गया है और प्याज और टमाटर सब में सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मलाई डाल दूँगी, मेरी एक कटोरी मलाई है जो डेली मेरे दूध में से निकलती है। नहीं फिर से रिपीट कर लूँगा, अपना कट कर दीजिए। मैंने मलाई डाल दी है और अब इसमें मिक्स करें, थोड़ी देर चलाएं और बढ़िया मेरे अमूल का जो दूध आता है फुल क्रीम, उसमें से डेली एक कटोरी से ज़्यादा मलाई निकलती है, वही मैं यूज़ कर लेती हूँ। आप फ्रिज में रखी हुई मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। लीजिए दोस्तों मलाई की सब्जी तैयार है, तो खा के बताइए कैसी बनी है, और अगर आप भी बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों, रात का डिनर तैयार है, मलाई की सब्जी और रायता। क्या हो गया दीदी, दीदी क्या हो गया, क्या हो गया दीदी को? क्या हो गया? कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है।
मैनू कर दोस्तों, कल मिलते हैं नई सुबह नई सोच के साथ। गुड नाइट।